हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू असाइनमेंट गुरु। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ना बात करने वाले हैं इग्नू असाइनमेंट सबमिशन की, जो कि आप ऑनलाइन अगर करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि अपने दिसंबर एग्जाम्स के लिए असाइनमेंट को ऑनलाइन सबमिट करें। पर उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज क्लियरली बता देना चाहता हूँ, अगर आप अपने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने में कोई भी गलती करते हैं तो आपके असाइनमेंट जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप अपने असाइनमेंट जो है ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हैं और आप कुछ मिस्टेक कर देते हैं, जो कि मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ कुछ मिस्टेक्स के बारे में जो स्टूडेंट्स यूजुअली करते हैं अपने असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, जिस रीजन की वजह से उनके असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाते हैं, उनको जो है असाइनमेंट दोबारा से सबमिट करने पड़ते हैं। सो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, हम काफी सारे रीजन के बारे में जो है आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, जिनको आपको बिल्कुल भी, जो मिस्टेक्स मैं बताने वाला हूँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर आप अपने जो है ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है इग्नू की एक रीजन सेंटर की वेबसाइट जो ओपन कर ली है, जहाँ पे कि आपकी असाइनमेंट रिजेक्ट की जो है लिस्ट आई हुई है। ये जो है आपकी रिजेक्टेड लिस्ट है, जिन भी स्टूडेंट्स के जो है असाइनमेंट रिजेक्ट हो गए। सो देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपके जो है रिजेक्ट असाइनमेंट दे रखे हैं जिन भी स्टूडेंट्स के हुए, साथ ही यहाँ पे जो है कुछ रीजन भी लिखे हुए हैं। सो इन्हीं रीजन और साथ ही और भी थोड़े रीजन के बारे में जो है बात करने वाले हैं, जिनकी वजह से आपके ऑनलाइन असाइनमेंट को जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में जो है वन बाय वन बात कर लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल के सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंट हैंडराइटिंग, जो कि आपको यहाँ पे भी रीजन दिख रहा होगा। डिफरेंट हैंडराइटिंग का मीनिंग क्या है? आपने मान लीजिए कहीं से परचेज किया असाइनमेंट, फॉर एग्जाम्पल के लिए वेबसाइट पे बहुत सारे हैं जो कि हैंड रिटन असाइनमेंट आपके पीडीएफ के फॉर्म में बेच रहे हैं, आपने वहां से परचेज किया, तो उसमें जो है आपकी हैंडराइटिंग डिफरेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपने असाइनमेंट लिख रहे हैं, आप थक गए, आपने कहा कि चलिए अपने फ्रेंड से या फिर अपने भाई बहन किसी से असाइनमेंट लिखवा लेते हैं, आपने वो असाइनमेंट लिखवाए, हैंडराइटिंग हो गई डिफरेंट, वो असाइनमेंट भी आपका जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो मेक श्योर आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, डिफरेंट हैंडराइटिंग जो है आपके असाइनमेंट्स में नहीं होनी चाहिए। अब ये चाहे आप बात कर लीजिए एक ही असाइनमेंट के अंदर डिफरेंट हैंडराइटिंग है या फिर अलग अलग असाइनमेंट, वैसे तो बहुत चांसेस कम ही है कि अलग अलग असाइनमेंट में कोई भी आपकी चेक करेगा। सो मेक श्योर आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि एक ही असाइनमेंट में डिफरेंट हैंडराइटिंग आपकी नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप खुद ही असाइनमेंट बनाएं सारे के सारे, चाहे टाइम लेके बनाएं, क्योंकि आपकी डेट जो है काफी ज्यादा टाइम के लिए एक्सटेंड हो जाती है। सेकंड मैं आपको बताया था, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ टाइप्ड असाइनमेंट। जी हाँ, आपको जो है टाइप करके असाइनमेंट नहीं देना है। ऑनलाइन असाइनमेंट का मतलब है कि आपको हैंड रिटन असाइनमेंट, यानी कि अपने असाइनमेंट को हाथ से लिख के फिर उसे स्कैन करके जो है आपको पीडीएफ के फॉर्म में अपने रीजनल सेंटर में जो भी आपको लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, फिर रीजनल सेंटर ने जो भी आपको गाइडलाइंस दी होंगी उसके अकॉर्डिंग जो है आपको असाइनमेंट सेंड करने हैं। ठीक है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा, टाइप नहीं करने, आपको हाथ से लिखने असाइनमेंट। उसके बाद एक रीजन और दिया हुआ है, सबमिटिंग ऑल फोर असाइनमेंट इन वन पीडीएफ। ये गलती भी आप मत कीजिएगा। आपको जो है जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला नंबर है इनके कोर्सेज आप चेक कीजिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एमसीओ 01 03 04 05 06 और 07। सो यहाँ पे आपको इन सभी की एक ही पीडीएफ नहीं देनी है, याद रखिएगा। इसकी बात करें जहाँ पे ये दे रखा है आपको, आप ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिटिंग ऑल फोर असाइनमेंट इन वन पीडीएफ। सो इनको चार असाइनमेंट देने थे एमएचआई 1, 2, 4 और 5 के। सो उन्होंने एक ही पीडीएफ के अंदर सारे असाइनमेंट को स्कैन कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डिफरेंट चार अलग पीडीएफ जो है बनाने होंगे अपने कोर्सेज के लिए। यहाँ पे तो चार की बात हुई, अगर आपके पांच असाइनमेंट है तो आपको पांच पीडीएफ अलग अलग कोर्सेज के लिए बनानी होंगी, यानी कि एक पीडीएफ के अंदर आपका एक ही कोर्स का असाइनमेंट आएगा। इस चीज का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, चाहे जितने मर्जी आपके असाइनमेंट हो, सिंगल पीडीएफ सिंगल असाइनमेंट के लिए जो आपको बना के देनी थी, ये तो आपको क्लियरली मेंशन किया गया था आपके गाइडलाइंस में। ठीक है, चलिए ये तो यहाँ पे आपके कुछ रीजन दिखे हैं, और रीजन की मैं बात कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बताया ऑनलाइन परचेज, आप ऑनलाइन परचेज तो बिल्कुल ही मत कीजिएगा। मान लीजिए आपने ऑनलाइन परचेज किया, आगे चल के आपके रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर ने डिमांड कर लिया कि जो भी आपने असाइनमेंट को ऑनलाइन सबमिट किया था, अब वो आपको ऑफलाइन या अपनी की हार्ड कॉपी में सबमिट करने हैं, तो आप क्या करेंगे? पैसे गए सारे के सारे वेस्ट, आपको दोबारा से असाइनमेंट जो है बनाने पड़ सकते हैं। सो मेक श्योर आप कहीं से भी ऑनलाइन परचेज मत कीजिएगा, बिकॉज में काफी प्रॉब्लम्स होते हैं। आपको कैसे पता चले, मान लीजिए उन्होंने आंसर लिखे वो सही आंसर है कि नहीं, कहीं उन्होंने ओल्ड आंसर लिख दिया, ओल्ड आपको असाइनमेंट दे दिया हो, चेप दिया हो, ठीक है, आपसे पैसे भी ले लिया, आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो गया, तो आप सभी की पैसे जो है वेस्ट हो जाएंगे। आप सभी के पास काफी टाइम है, दिसंबर की अगर मैं बात करूं तभी तो असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट एक्सटेंड होंगी। सो ई ज्ञान कोर्स पे से आप अपने बुक्स डाउनलोड कीजिए, अगर आपके पास अपने स्टडी मटेरियल नहीं है तो स्टडी मटेरियल ई ज्ञान कोर्स पे से आपको मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कीजिए, अपने असाइनमेंट बनाइए। ऑनलाइन परचेज करने की आपको कोई भी जो है जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी गाइडलाइंस।
स्टूडेंट्स देखिए, आपकी ना जो भी आपका रीजनल सेंटर है ना, उन्होंने अपनी खुद की जो है गाइडलाइंस दी है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अभी के लिए बात करूं, आपकी इग्नू की वेबसाइट खोलता हूं मैं रीजनल सेंटर की, दिल्ली 3 ने जो है दिसंबर के लिए जो भी असाइनमेंट आपको सबमिट करने हैं उनकी जो है गाइडलाइंस दे दी है। सो देखिए मैं यहाँ पर जाऊंगा गाइडलाइंस में। सो आपको जो है अपने रीजनल सेंटर की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। आपके रीजनल सेंटर वालों ने, हर रीजनल सेंटर ने डिफरेंट जो है गाइडलाइंस दी है। देखिए दिल्ली 3 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको स्टडी सेंटर की लिस्ट मिली हुई है, साथ ही में जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जो सा भी स्टडी सेंटर है उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइडलाइंस दी हुई है। सो आपको इस गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जो भी आपके रीजनल सेंटर वालों ने, अगर आपको जैसे मान लीजिए दिल्ली 3 की बात करो तो यहाँ पे आपको इस तरह से दिया हुआ है कि आपके जो सा भी स्टडी सेंटर है उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको लिंक या फिर ईमेल दिया हुआ है। सो उन सभी की डिफरेंट गाइडलाइंस है, याद रखिएगा डिफरेंट गाइडलाइंस है जिसको जो है आपको फॉलो करना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको आई कार्ड देना है, रजिस्ट्रेशन स्लिप देनी है, असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर को अटैच करना है। आप नीचे जाएंगे पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए अलग तरह की आपकी गाइडलाइंस दी हुई है। तो जो सा भी आपका रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर होगा, आपको उसकी गाइडलाइंस को जो है फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हैं, आपके असाइनमेंट जो है रिजेक्ट हो जाएंगे। अगला पॉइंट है असाइनमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करना। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अभी के लिए आपसे बात करूं असाइनमेंट्स की, सो आप देखिए यहाँ पे आपके असाइनमेंट जो सा भी आप ओपन करेंगे, आप मान लीजिए वाला असाइनमेंट बना के सबमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर जो आपकी गाइडलाइंस लिखी होती है असाइनमेंट सबमिट की। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट डेट वगैरह आपकी लिखी हुई है, गाइडलाइंस देखिए यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप इन गाइडलाइंस को भी फॉलो नहीं करते हैं तब भी आपके असाइनमेंट को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ठीक है, जिनको डिवाइड किया गया सेक्शन ए और सेक्शन बी में, आपको यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। स्टूडेंट इस चीज को पढ़ते ही नहीं है, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको असाइनमेंट की एटलीस्ट आप गाइडलाइंस को तो पढ़िए। देखिए आपके ऊपर जो है नोट लिखा हुआ है, इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, ठीक है, इन अबाउट 500 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 गाइडलाइंस आपको मिल चुके हैं कि आपको आपके जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो एक सेक्शन में से 2 करने हैं एटलीस्ट, और 500 वर्ड्स में जो आपको लिखना है। ऐसे ही आपको हर किसी असाइनमेंट के ऊपर जो है अपनी गाइडलाइंस मिल जाएंगे। आप कोई सा भी असाइनमेंट ओपन करेंगे उसके ऊपर जो आपको गाइडलाइंस लिखी हुई मिल जाएंगे, जिसको आपको फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका असाइनमेंट जो है रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, जब भी आप अपनी पीडीएफ सेंड करते हैं तो वो पीडीएफ ब्लर होती है। आप सभी को पता होगा काफी सारे रीजनल सेंटर में आपको जो भी लिंक्स वगैरह दिए थे या ईमेल गया था, वहां पे एक लिखा होता आपका साइज, कि आपका इससे ऊपर साइज नहीं होता है, 10 MB, 20 MB, 20 MB से ऊपर की आपकी एक असाइनमेंट की पीडीएफ नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट क्या करते थे, अगर उनकी 20 MB से ऊपर की पीडीएफ है उसको जो है क्वालिटी को डिक्रीज कर देते थे, जिसकी वजह से असाइनमेंट ब्लर हो जाता था और उसकी एमबी जो फाइल की एमबी है, जितने भी एमबी की पीडीएफ है वो कम हो जाती थी। भैया वो तो आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। आप सोच के देखिए, अगर आप ब्लर पीडीएफ भेजेंगे तो आपके जो भी टीचर है वो चेक कैसे करेंगे, उनको दिखाई क्या देगा। सो इसीलिए आपको जब भी आप पीडीएफ को स्कैन करें, मेक श्योर आप एक बार चेक कर ले पीडीएफ को ओपन करके, जूम करके, कि क्या आपकी जो पीडीएफ आप हैंड रिटन असाइनमेंट की भेज रहे हैं वो ब्लर तो नहीं है, कहीं वो मुश्किल तो नहीं होंगी उसको पढ़ने में टीचर को। अगर ऐसा होता है तो भैया आप दोबारा से बनाइए अपनी पीडीएफ, दोबारा से स्कैन कीजिए, अलग सॉफ्टवेयर का यूज करके देखिए। स्कैनिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है आपके आपके गूगल प्ले स्टोर, साथ ही आपके एप्पल iOS स्टोर पे जो है अवेलेबल है। सो आप अलग जो है अपना स्कैनर यूज कर सकते हैं, साथ ही डिक्रीज करते वक्त साइज जरूर ध्यान रखिएगा, क्वालिटी डिक्रीज कम से कम हो, क्योंकि आपको उनको क्लियरली दिखाना पड़ेगा। अगर आपका असाइनमेंट ब्लर होगा तब भी वो आपके जो है असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएंगे। सो मेक श्योर जब भी आप फोटो क्लिक करें उसको स्कैन करें तो अच्छे से चेक कर ले कि क्या आपका असाइनमेंट ब्लर तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेज नंबर और अरेंज करने की। आप सभी को बोला काफी सारे आपके रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर जहां पर दिया गया कि आपको पेज नंबर भी लिखना है। पेज नंबर वैसे भी आप लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सो मेक श्योर आप पेज नंबर जरूर लिखिए, बिकॉज आप जब भी अरेंज करते हैं ना अपने पीडीएफ को, सो आप जो गलत तरह से अरेंज कर देते हैं, आप कोई पेज मान लीजिए 5वां पेज आपने पहले पे डाल दिया, दूसरा पेज आपने आखिरी में डाल दिया, इस चक्कर में जो है आपकी असाइनमेंट जो है रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो मेक श्योर आप ध्यान रखिए कि आप किस तरह से अपनी पीडीएफ को अरेंज कर रहे हैं, किस तरह से जो सी भी आपकी एक कोर्स की एक पीडीएफ होंगी उसके अंदर पीडीएफ के जो पेजेस है वो सही अरेंज हो रखे हैं, सही ऑर्डर में अरेंज हो रखे हैं या फिर नहीं हो रखे, इस चीज का भी जो है आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें ओल्ड असाइनमेंट, आपको जो है ध्यान रखना है कि आप असाइनमेंट कौन से जो है सबमिट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एम ए हिस्ट्री की मैं बात करूँ, देखिए ये वाले असाइनमेंट मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जनवरी 2020 सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट है, तो ये वाले असाइनमेंट जो आपको सबमिट करने हैं अपने दिसंबर एग्जाम्स के लिए, गलती से भी आप 2018-19 वाले असाइनमेंट मत सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि ये असाइनमेंट जो है जनवरी 2019 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। सो स्टूडेंट यही मिस्टेक कर देते हैं,
कि अपने पुराने असाइनमेंट यानी कि ओल्ड असाइनमेंट को जो है सबमिट करते हैं। सो मेक श्योर आप ध्यान रखिएगा, आपको पुराने असाइनमेंट जो है सबमिट नहीं करने हैं। आपको असाइनमेंट के ऊपर ही लिखा होता है कि वो कौन से सेशन के असाइनमेंट है। आप कोई सा भी असाइनमेंट ओपन करके देखेंगे ना, आपको असाइनमेंट के ऊपर ही जो है लिखा होता है कि आपके कौन से सेशन के लिए वो जो है असाइनमेंट वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसकी बात करूं, देखिए ये जो है जुलाई 2020 और जनवरी 2021 वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप नीचे जाएंगे, आप इसको ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपका साफ साफ लिखा होगा। ईपीए 3 में ओपन कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये वाले असाइनमेंट जो है जनवरी 2020 सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए है। सो मेक श्योर आप असाइनमेंट भी अपने ध्यान से देख के बनाइएगा। क्वेश्चन के आंसर्स एंड नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं 1, तो मेक श्योर आप क्वेश्चन का नंबर भी जो है जरूर मेंशन कर दीजिएगा अपने असाइनमेंट के ऊपर, ताकि स्टूडेंट टीचर को पता चले, या फिर आप चाहे तो ऊपर क्वेश्चन भी लिख दीजिएगा ताकि आपके टीचर को पता चले कि आप कौन से क्वेश्चन का जो है आंसर लिख रहे हैं। और एक चीज और जो कि मैं आपको बताता हूँ, कलरफुल शीट्स, आप जो है कोई से भी शीट्स यूज कर सकते हैं। A4 साइज यूज कर लीजिए, कोई नॉर्मल शीट्स यूज कर लीजिए अपने असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करने के लिए, ठीक है, ऐसा इग्नू ने कहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई सी भी शीट यूज करें, कलरफुल शीट का तो बिल्कुल ही मत यूज कीजिएगा, बिकॉज काफी हार्ड हो जाता है उसको स्कैन करके उसको पढ़ना। रीडेबिलिटी भी चाहिए कि टीचर आपका एटलीस्ट असाइनमेंट पढ़ तो पाए। सो मेक श्योर आप जो है कलरफुल शीट का जो है बिल्कुल भी यूज मत कीजिएगा। तो यही थे आपकी कुछ चीजें जिनको जो है कोई, यही आपकी मिस्टेक्स है, और भी मिस्टेक्स होंगी काफी सारी जो आपके मैं नहीं बता पाया इस वीडियो में, बट ध्यान रखिएगा आपको इन मिस्टेक्स को तो बिल्कुल भी आपको जो है फॉलो नहीं करना है। इन मिस्टेक्स को आप जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिएगा। एंड साथ ही जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, अपने जो भी रीजनल सेंटर है, स्टडी सेंटर है, उसकी गाइडलाइंस को बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जो है अपनी रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर में जो से भी आपके गाइडलाइंस प्रोवाइड कराई होंगी उसके अकॉर्डिंगली ही आपको असाइनमेंट को जो है सबमिट करना है। सो इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, आपके असाइनमेंट जो है रिजेक्ट नहीं होंगे। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज के हमारे ये वीडियो पसंद आए।